हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, आज हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी न्यूक्लियोफाइल की डोनर एबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। किसी भी न्यूक्लियोफाइल की डोनर एबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं तो मैं न्यूक्लियोफाइल में एक एल्कीन लेता हूं। एल्कीन क्या है, एक मैं ऐसे ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन एक पाई बॉन्डिंग स्पीशीज होती है, और एक चीज ध्यान रखना, पाई बॉन्डिंग स्पीशीज कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है। इस एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराई गई, अगर एल्कीन की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हो तो एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल बनेगी, एल्कीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराते हो तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल बनेगी। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, अभी मैं इस एल्कीन को एज ए न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस एल्कीन को एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया। ठीक है, फिर मैंने कोई इस पे ग्रुप लगाया, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, एक ऐसे ग्रुप लगा दिया जिसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, और एक बार एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसका माइनस आई इफेक्ट है, NO2। इसका क्या है, माइनस आई है, आपको पता है। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने कहा एल्कीन को यहां पे आपको किस तरह बिहेव कराना है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराना है तो उसको क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप सीधी सी बात एक समझो, इलेक्ट्रॉन्स को पैसे की तरह कंसिडर करो, तो पैसे तो वही देगा जिसके पास ज्यादा होंगे, कम पैसे वाला तो नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन बुरा न्यूक्लियोफाइल है। या अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मैं ऐसे कहूंगा कौन अच्छा डोनर है, डोनर में ये इलेक्ट्रॉन नहीं तो डोनेट करेगा। तो देखो मैंने यहां पे रिएक्शन कराई इलेक्ट्रोफाइल की, यहां पे भी कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, और मैं कहता हूं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हमें डोनर एबिलिटी चेक करनी है, डोनर एबिलिटी चेक करनी है, या न्यूक्लियोफाइल बनने की एबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये तो रेफरेंस हो गया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने प्लस आई वाला ग्रुप लगाया और माइनस आई वाला ग्रुप लगाया, तो मैं फर्स्ट वाले को तो बीच में लिख लेता हूं। अब एक चीज बताना, ये प्लस आई वाला ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखना sp2, इस कार्बन की sp3, और मैंने कल आपको बताया था sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर 33% होता है, और इस sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर 25% होता है, यहाँ पे परसेंटेज एस कम है तो इसकी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पे परसेंटेज एस ज्यादा है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इस कार्बन पे या इस एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सी डबल बॉन्ड सी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये तो रेफरेंस था, यहां पर लेते हैं ये माइनस आई है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या करेगा, इस एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, तो मैं ऐसे कहूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सी डबल बॉन्ड सी डिक्रीजेस। अब देखना, इस इलेक्ट्रोफाइल पे इस डबल बॉन्ड को ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने थे। ठीक है, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट होंगे, और ज्यादा डोनेट होंगे तो डोनर एबिलिटी ज्यादा है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट नहीं हो पाएंगे, और डोनेट नहीं हो पाएंगे तो इसकी डोनर एबिलिटी कम हो गई, तो इस चीज का
ध्यान रखना, इस तरीके से ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन में जो बात ध्यान रखनी होगी वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसका प्लस आई होता है वो क्या करता है, डोनर एबिलिटी बढ़ा देता है, इंक्रीजेस डोनर एबिलिटी, डोनर एबिलिटी को बढ़ा देता है, या मैं यूं कहूं न्यूक्लियोफाइल बनने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, डोनर किसको, डोनेट किसको करेगा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं, देखना एक बार इसी एग्जांपल में मैं न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा दूं, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CHNO2 CH2 डबल बॉन्ड। अब यहां पे देखना, मैंने यहां पे अब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करानी है, अगर न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा है तो ये स्पीशीज क्या बनेंगी, ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स लेंगी। ठीक है, अब एक चीज देखना, न्यूक्लियोफाइल उस स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इस NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से मैंने यहां ऊपर लिखा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सी डबल बॉन्ड सी इज लेस। जब ये CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था तो मैं ऐसा कहूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सी डबल बॉन्ड सी इज मोर, और ये वाला तो रेफरेंस हो गया। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको पहला लिखता हूं, इसको दूसरा लिखता हूं और इसको तीसरा लिखता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ गई तो, और बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट थोड़ा कम करेगा। क्यों कम करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, नहीं करेगा एक्सेप्ट। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो वो क्या करेगा, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट करेगा। बात समझ आ रही है, इसलिए मैंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो कोई, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफाइल उस पर ज्यादा अटैक करेगा। ठीक है, तो थर्ड पे अटैक ज्यादा होगा और सेकेंड पे अटैक कम होगा, और यहां पे मैं क्या चेक कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी। ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, दोनों एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, और यहां पे आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी होगी कि अगर माइनस आई ग्रुप होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसका माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही तो है, क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, तो वो क्या कर देता है, वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। इस चीज को ध्यान रखना, अगर प्लस आई इफेक्ट वाला है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ाता है, माइनस आई वाला होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को बढ़ाता है, और ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। अब हम बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट की सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन जो है वो रिलेटेड होती है एसिडिटी एंड बेसिसिटी से, एसिडिटी और बेसिसिटी से। आपको पता है एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करते हैं, बेस क्या होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, ये H+ लूजर और ये H+ एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब एक चीज जान देना, पहले मैं एसिडिटी की बात कर लेता हूं। तो कोई भी कंपाउंड, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड है, ये एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, जब ये H+ लूज करके क्या बनाए, एक एनायन बनाए, ये कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया। अगर ये कार्बोक्सिलेट एनायन स्टेबल होता है तो इस कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा होती है, और अगर ये कार्बोक्सिलेट एनायन लेस स्टेबल होता है तो इसकी एसिडिटी कम होती है। यानी इसकी कंपाउंड की एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करती है, कि H+ लूज करने के बाद जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल बनना चाहिए,
स्टेबल है तो एसिडिटी ज्यादा, अनस्टेबल है तो एसिडिटी कम। इस चीज को ध्यान रखना कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये देखना, ये आर ग्रुप जो है ये दो तरीके का हो सकता है। मैं ऐसे लिखू कि ये कार्बोक्सिलेट एनायन बना, ये जो आर ग्रुप है अगर इंडक्टिव के बेसिस पे देखू तो इसका दो तरीके का इफेक्ट हो सकता है, प्लस आई और माइनस आई। अब एक चीज मुझे ये बताना, ये जो एनायन बना ये स्टेबल कब होगा? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मैं ऐसे लिखूंगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है विड्रोइंग ग्रुप उसको स्टेबल बनाता है, ठीक है। तो क्या कहूंगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऐसा ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट है, वो माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इस एनायन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, इसके चार्ज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपको पता है एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी ज्यादा होती है। लेकिन प्लस आई क्या करेगा, प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसको अगर ये प्लस आई के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर चार्ज बढ़ाएगा, चार्ज बढ़ाएगा तो आपको पता है चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है। ये चार्ज घटा रहा है स्टेबल बना रहा है, ये प्लस आई ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिलीज करके चार्ज बढ़ा देगा, चार्ज बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस, ठीक है। और एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक होती है इसमें पीडा की, PIDA, पीडा, पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस एसिडिटी, ये लिख रखा है ना। अगर प्लस आई है तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी, तो यही पॉजिटिव इंडक्टिव इसका है डी से डिक्रीजेस और ए से एसिडिटी, ठीक है। इस छोटी सी ट्रिक को ध्यान रखना, आपके सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एसिड का एग्जांपल लेता हूं, डबल बॉन्ड OH CH3, अगला एग्जांपल लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड OH, यहां पे मैंने लगाया NO2 और मैं यहां पे लगाता हूं CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये तीन एसिड लिए, 1 2 3, 1 तो रेफरेंस हो गया, 1 रेफरेंस क्यों हो गया, देखो 2 और 3 में 1 में से एक हाइड्रोजन हटा के एक बार NO2 लगाया और एक CH3 लगाया, तो इस NO2 का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इस CH3 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और ये तो रेफरेंस हो गया। तो इसके कंपैरिजन में हमने यहां पे क्या लगा दिया, एक प्लस आई ग्रुप लगा दिया, और प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो आपको मैंने अभी बताया पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस एसिडिटी, मतलब यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव के कारण इसकी एसिडिटी इससे कम हो जाएगी, यानी थर्ड को मैं लास्ट में रखूंगा। और यहां पे क्या है, माइनस आई है, अब पॉजिटिव इंडक्टिव तो डिक्रीज कर रहा था एसिडिटी को, नेगेटिव इंडक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी इसके कंपेरिजन में इसकी एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट होने के कारण बढ़ जाएगी, बात समझ लो। या फिर क्या कर सकते हो, इसका एनायन बना के समझ लो भाई, इसका एनायन कैसे बनाओगे, यहां से एच पॉजिटिव लॉस कर दिया, यहां से एच पॉजिटिव लॉस कर दिया और यहां से एच पॉजिटिव लॉस कर दिया, अब कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, माइनस आई के कारण एनायन ज्यादा स्टेबल होगा ये रेफरेंस वाला, और प्लस आई के कारण एनायन कम स्टेबल होगा, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो कोई भी तरीका यूज करो, बस इस छोटी सी ट्रिक को याद रखना कि पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस एसिडिटी, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखना, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, एक लिखता हूं CH3 CH2 OH, ठीक है, एक लिखता हूं CH3 OH और एक लिखता हूं CF3 CH2 OH,
और इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH2 और H, ठीक है। देखना कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 और हमें क्या कंपेयर करना है, एसिडिटी कंपेयर करनी है, एसिडिटी ऑर्डर बताना है। अब एक चीज देखो, इन तीनों कंपाउंड में कुछ सिमिलरिटी दिखी, इतना फ्रैक्शन सेम है, एक बार H लगा रखा है, एक बार CF3 लगा रखा है और एक बार CH3 लगा रखा है, मैंने आपको ऑर्डर बताया था इंडक्टिव का। अगर मैं सेकंड वाले को रेफरेंस मान लेता हूं तो इस CH3 का क्या है, प्लस आई है, और इस CF3 का क्या है, माइनस आई है। आपको पता है पॉजिटिव इंडक्टिव क्या करता है, डिक्रीज करता है एसिडिटी, और नेगेटिव इंडक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिडिटी को। तो यहां पे एसिडिटी डिक्रीज होगी तो फर्स्ट की एसिडिटी कम, यहां पे एसिडिटी इंक्रीज होगी तो थर्ड की एसिडिटी ज्यादा। अगला एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं डबल बॉन्ड हो OH, देखना एक फ्लोरीन मैंने यहां पे लगाया, एक बार मैं फ्लोरीन को लगाऊंगा यहां पे, एक बार मैं फ्लोरीन को लगाऊंगा डबल बॉन्ड हो OH, यहां लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा, यहां। इन तीनों कंपाउंड में देखो फ्लोरीन तो सेम है लेकिन इस कार्बन से डिस्टेंस अलग है, इस कार्बन से डिस्टेंस अलग है। यहां पे कितने बॉन्ड की डिस्टेंस है, 1, 2, यहां पे कितने बॉन्ड की डिस्टेंस है, 1, 1 है ना, दूसरा तो यही, यहां पे कितने बॉन्ड की डिस्टेंस है, 1, 2, 3, 3 बॉन्ड की डिस्टेंस। अच्छा तीनों का इफेक्ट देखना, इस फ्लोरीन का भी क्या है, माइनस आई है, फ्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई होता है। अब बॉन्ड डिस्टेंस मैटर करेगी, मैंने आपको ये कहा था जैसे जैसे बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिस्टेंस इंक्रीजेस तो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये बॉन्ड डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ गई तो माइनस आई कम, बॉन्ड डिस्टेंस और ज्यादा हो गई तो माइनस आई और कम, यानी माइनस आई यहां पे मैक्सिमम है और यहां पे मिनिमम है, और जहां पे माइनस आई मैक्सिमम लगेगा एसिडिटी भी तो ज्यादा वही होगी, तो एसिडिटी फर्स्ट की ज्यादा, सेकंड की और कम, थर्ड की सबसे कम। ये डिस्टेंस की बात होती है। इसके बाद नंबर्स की बात कर लेते हैं कि नंबर पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं ऐसा कहता हूं कि एक एग्जांपल मैंने ऐसे लिया C OH CF3, दूसरा C OH, ठीक है, OH यहां पे लगाता हूं CF2 और एक H लगा देता हूं, एक लगा देता हूं CH2, एक F, ठीक है, और C OH। अब नंबर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखो फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन का माइनस आई है, यहां पे एक ही फ्लोरीन है, यहां पे 2 फ्लोरीन है जिसके माइनस आई है, यहां पे 3 फ्लोरीन है जिसके माइनस आई है, तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा, और यहां पे माइनस आई क्या होगा, सबसे कम। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको पता है माइनस आई एसिडिटी को इंक्रीज करता है, तो एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा पहले का, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। ये नंबर पे, ये नंबर की बात होती है कि जितने ज्यादा आप माइनस आई वाले ग्रुप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी बेसिसिटी के और क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के फॉर्म में भेजूंगा, आप उन सभी को असाइनमेंट को सोल्व करना और मुझसे जो भी आपके डाउट होंगे वो पूछना। अब मैं बेसिसिटी पे चलता हूं कि माइनस आई का या प्लस आई का बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन बेसिसिटी। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस एसिडिटी, और आपको यह भी पता है एसिड बेस बिहेवियर जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव जब एसिडिटी डिक्रीज कर रहा था तो इसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव एसिडिटी को क्या करेगा, बिना बेसिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है सिर्फ आपको, पॉजिटिव इंडक्टिव इंक्रीजेस बेसिसिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं एग्जांपल लेता हूं NH2
एच एन एच टू, और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सी एफ थ्री लगा देता हूँ, और दूसरा कंपाउंड ले लेता हूँ मैं एन एच टू, और यहाँ पे लगा दिया मैंने सी एच थ्री। अब एक चीज ध्यान देना, ये तो रेफरेंस है एच है, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगाया जिसका माइनस आई है, यहाँ पे एक मैंने ग्रुप लगाया जिसका प्लस आई है। इस एन एच टू को, इस नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके बेस की तरह बिहेव करना है, ठीक है। अब कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा डोनेट करेगा, जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा होगी। माइनस आई क्या करेगा, यहां विड्रॉ करेगा इससे इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। प्लस आई क्या करेगा, प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो एच प्लस को अटैक करना इजी हुआ। तो ये सीधा सा लॉजिक होता है कि प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है इसलिए बेसिसिटी बढ़ जाती है। माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है और इसलिए बेसिसिटी घट जाती है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कंपेयर करूं तो मैंने फर्स्ट वाले को तो रेफरेंस बताया था, फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में करेंगे तो सेकेंड वाले में माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, बेसिसिटी घट जाएगी, और थर्ड वाले में प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट आता है एसिडिटी बेसिसिटी का। इसके बाद मैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन पे चलता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट की थर्ड एप्लीकेशन पे चलता हूं, जिसमें है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन। सबसे पहले मैं कार्बोकैटायन का डिस्कशन करता हूं, और इसी के पैरेलल में मैं कार्बेनायन का भी डिस्कशन कर लेता हूं। कार्बोकैटायन क्या लू, एक ट्राइवेलेंट स्पीशीज। कार्बोकैटायन क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट मतलब तीन बॉन्ड बनाता है। कार्बोकैटायन मैं ऐसे ले लेता हूं आर सी एच टू पॉजिटिव। कार्बेनायन भी ट्राइवेलेंट होता है आर सी एच टू नेगेटिव, ठीक है। ये कार्बोकैटायन और कार्बेनायन होंगे। हमें ये देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे किसी कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है या अनस्टेबल बनाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे किसी कार्बेनायन को स्टेबल या अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज, और ये जो मैंने आर ग्रुप लगाया इसका नेचर दो तरीके का हो सकता है, फिर से या तो ये प्लस आई दे या ये माइनस आई दे। प्लस आई देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे यहां पे देखना ये क्या करेगा, ये आर ग्रुप दो तरीके का हो सकता है, या तो प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब एक सीधी सी चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स को पैसे की तरह कंसीडर कर लेना, पैसे की तरह। यहां पे क्या है, पैसे कम है, और पैसे कम है तो जो पैसे देगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यहां पे क्या है, पैसे ज्यादा हैं, और जो पैसे देगा वो अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। भाई गरीब और अमीर की तो बॉन्डिंग होती है, अमीर अमीर तो बात ही नहीं करते, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्लस आई वाला। यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ऐसा ग्रुप चाहिए जो यहां से इलेक्ट्रॉन ले ले, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, माइनस आई वाला। तो क्या होता है कि ये प्लस आई वाला, क्योंकि इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और माइनस आई वाला क्या करता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को, और माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई ये पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसा ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करता है, वो करता है डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इतनी सी बात समझनी है। यहां पे देखना, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही ज्यादा है,
तो प्लस आई क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो प्लस आई इफेक्ट वाले कार्बोनायन के केस में स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। और माइनस आई वाले क्या करेंगे, माइनस आई वाले यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज डिसअपियर होगा, चार्ज डिसअपियर होगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। तो माइनस आई वाले क्या करते हैं, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दे इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। सीधी सी एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस एसिडिटी कराया था, कार्बोनायन के केस में पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, कार्बोनायन के केस में पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस स्टेबिलिटी होता है कार्बोनायन के केस में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, देखना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, जो कार्बोकैटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा प्लस आई, और जो कार्बोनायन होगा, जो कार्बोनायन होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा माइनस आई। इतनी सी बात ध्यान रखना, एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 की ट्वाइस CH पॉजिटिव और CH3 की थ्राइस C पॉजिटिव। यहां पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, हम क्या कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन हटा के एक एक मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं। मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई होता है, यहाँ पे प्लस आई वाले कितने ग्रुप हैं, दो, यहाँ पे प्लस आई वाले कितने ग्रुप हैं, तीन। प्लस आई क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, क्योंकि इसमें तीन प्लस आई वाले ग्रुप हैं, इसमें दो प्लस आई वाले हैं तो ये थोड़ा कम स्टेबल, इसमें एक प्लस आई वाला है तो ये और कम स्टेबल, और ये सबसे कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी होगी 4 की सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। इसी में मैं एक एक हैलोजन लगा दूं, कैसे, CH3 देखना, CH2 पॉजिटिव, CH2F, अब मैं अगला लिखता हूं CH2 Cl, CH2 पॉजिटिव, CH2 Br, CH2 पॉजिटिव। अब देखना ये हैलोजन क्या करेगा, हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट है, हैलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब देखो माइनस आई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसका माइनस आई मैक्सिमम, यहां पे माइनस आई मैक्सिमम है, यहां पे माइनस आई थोड़ा सा कम है, यहां पे माइनस आई सबसे कम है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में मुझे एक बात बताना, माइनस आई सबसे कम यहां पे है तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी माइनस आई सबसे ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी। यानी यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, स्टेबिलिटी 3rd की सबसे ज्यादा, फिर 2nd की, फिर 1st की, क्योंकि यहां पे माइनस आई ज्यादा है और माइनस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। यही क्वेश्चन उल्टा ले लो, कार्बोनायन में CH3 इसी तरह के देखना, CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 की ट्वाइस CH नेगेटिव और CH3 की थ्राइस C नेगेटिव। कार्बोनायन में क्या होगा, कार्बोनायन में अगर प्लस आई वाला लगाओगे तो स्टेबिलिटी घटेगी। अब यहां पे देखो, ये प्लस आई ग्रुप है, कितने प्लस आई ग्रुप है, एक ही है, यहां पे प्लस आई कितने आ गए, दो, यहां पे प्लस आई कितने आ गए, तीन। क्या करेंगे, इस कार्बोनायन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज होगी तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी, 4 की, फिर 3 की ज्यादा, फिर 2 की और ज्यादा, फिर 1 की सबसे ज्यादा, क्यों, कोई भी प्लस आई वाला ग्रुप नहीं लगा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, नंबर का भी फर्क होता है। देखो मैं ऐसे ले लूं CH3 ना CH2 पॉजिटिव,
और एक ले लेता हूँ सी एफ थ्री, एक ले लेता हूँ सी एच टू पॉजिटिव, सी एफ टू एच, एक ले लेता हूँ सी एच टू पॉजिटिव सी एच और एफ सी एच टू एफ। अब देखो यहाँ पे हैलोजन एक है, यहाँ पे हैलोजन दो है, यहाँ पे हैलोजन तीन है, हैलोजन ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा, माइनस आई यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे माइनस आई सबसे कम। माइनस आई ज्यादा तो कार्बो कैटाइन की स्टेबिलिटी, माइनस आई ज्यादा तो कार्बो कैटाइन की स्टेबिलिटी कम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको पहला कहूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो पहले की स्टेबिलिटी सबसे कम, दूसरे की उससे ज्यादा, तीसरे की सबसे ज्यादा, ठीक है। और एक एग्जांपल ऐसा ले लूं जिसमें है ही नहीं हैलोजन, तो इसको चौथा कहूं, यहां कोई माइनस आई नहीं है, तो चौथे की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। अभी ये चीज ध्यान रखना, अभी हैलोजन डायरेक्टली उस सेंटर से नहीं जुड़ा है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हैलोजन अगर डायरेक्टली इससे जुड़ जाएगा तो केस बदल जाएगा, इसका भी देखना। असाइनमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन भेजूंगा आपको, उसको सोल्व करना। एक एग्जांपल और देखना, सी एच थ्री सी एच टू पॉजिटिव, सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच पॉजिटिव, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है? आपको मैंने बताया था यहाँ पे परसेंटेजेस कम होगा, यहाँ पे परसेंटेजेस ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा एस ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा, ठीक है। परसेंटेज एस कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो माइनस आई कम, यानी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन का कम है, इस कार्बन का माइनस आई ज्यादा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। या सिंपली यू सोच लो, अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई कम, ना ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दूसरे और तीसरे में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या जाएगा, पहला सबसे ज्यादा स्टेबल, दूसरा और फिर तीसरा। ये था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट भेजा जाएगा, आप उसको जरूर सोल्व कर लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो हम टॉपिक डील करेंगे, छोटी मोटी इसकी चीजें रहती होंगी तो उसको देख लेंगे। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का इतना सा ही कंसेप्ट है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को डील करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।